हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ एक बिना बेसन के ही हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, साथ ही हेल्दी भी है और आप इसे एक महीने तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। लड्डू आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बना है और साथ ही हेल्दी भी। ये देखिए इसका टेक्स्चर कितना अच्छा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते कैसे मैंने तैयार किए स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू, वो भी बिना बेसन के। बिना बेसन के बनाएंगे बेसन के लड्डू। उसके लिए यहाँ पे ले लिया मैंने एक कटोरी भुना हुआ चना। ये देखिए इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल है, छिलके सहित भी मिलता है। छिलका आप रब करके निकाल सकते हो या फिर दाल के फॉर्म में भी मिलता है, ये तो आप ले सकते हो वो भी। इसको हम पीस लेंगे। तो मैं ले लूँगी मिक्सी का जग, इसी में डाल दूंगी मैं भुने हुए चने और इसे अब हम पीस लेंगे, बारीक पाउडर बना लेंगे। सेकेंड भी नहीं लगा और हमारा चना जो था इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बन के तैयार हो गया। तो चलिए अब झटपट से बना लेते हैं इसके लड्डू। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और झटपट से कोई भी इसे बना के तैयार कर सकता है। तो चलिए बनाते हैं लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने ले लिया है फ्राई पैन में एक चम्मच एक टेबल स्पून देसी घी। मैं देसी घी में बना रही हूँ, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा घी भी नहीं लगता, सिर्फ दो चम्मच घी डलेगा। एक चम्मच अभी डाला है मैंने। इसमें अब हम डाल देंगे दो चम्मच काजू, लगभग दो चम्मच ही डाल देंगे बादाम, और दोनों चीज़ों को घी में अच्छे से हम भून लेंगे। इस तरीके से जब हम ड्राई फ्रूट को भून के डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो बिना भुने भी डाल सकते हैं तुम, लेकिन मैं थोड़ा सा भून के डालूंगी। तो चलिए लगभग एक मिनट हम इसे बिल्कुल कम आँच पे भून लेंगे। अच्छे से ड्राई फ्रूट जो है भुन गया है, हल्का हल्का गोल्डन स्पॉट्स आ गए इस पर, तो इसको हम निकाल लेंगे इसमें से। तो ये देखिए मैंने घी में से ड्राई फ्रूट को निकाल लिया। अब बचा हुआ जो घी है, एक चम्मच हमने घी लिया था तो घी बचा ही है, उसी में हम डाल देंगे ये जो हमने चने को पीस के पाउडर बनाया था। सारा पाउडर मैं डाल दूंगी और बिल्कुल कम आंच पे इसे भी हम एक से दो मिनट घी के साथ भुनेंगे। इस तरीके से जब आप लड्डू बनाएंगे तो ये लड्डू आप एक महीने तक भी बिना फ्रिज के स्टोर करके रख सकते हैं। ये खराब नहीं होता है क्योंकि इस लड्डू में ना हम मिल्क प्रोडक्ट डालेंगे, ना मावा डालेंगे और ना ही दूध का प्रयोग करेंगे, इसलिए लड्डू खराब नहीं होते हैं। तो चलिए एक से दो मिनट सिर्फ हमें भुनना है इसको। तो ये देखिए मैंने इसे लगभग दो मिनट भुन लिया है और ये अच्छे से भुन गया, इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट जो हमने भुन के रखा था, इसको मिक्स करेंगे और अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी गुड़। मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, हेल्दी लड्डू बना रही हूँ, बहुत ही हेल्दी बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। ये देखिए गुड़ को मैंने चाकू की हेल्प से इस तरीके से काट लिया है। आप चाहे तो कद्दूकस कर लें या बारीक बारीक इस तरीके से तोड़ लें गुड़ को। जितना हमने चना लिया है उतना ही मैं ले रही हूँ गुड़। आप मीठा अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे एक चम्मच और देसी घी। दो चम्मच घी डालना है। ये देखिए घी कितना दानेदार है। घी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, साथ ही घी आपका एक साल तक खराब भी नहीं होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, बहुत इजीली घी निकल आता है। तो इसको अब हम मिक्स करेंगे। गैस को बंद कर देना है, दोबारा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये गर्म ही है, इसी से ये गुड़ जो है इसके साथ मेल्ट हो जाएगा। अब गुड़ को हमें अच्छे से इस मिक्सचर में मिक्स कर देना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए तीन से चार हरी इलायची छोटी वाली कूट के, इससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। इलायची के पाउडर को भी मिक्स करेंगे और गुड़ को भी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया। तो अब हम इसे दो से तीन मिनट के लिए ढक देंगे क्योंकि फ्राई पैन हमारा गर्म है तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इसके साथ मिक्स हो जाएगा। इसे तीन से चार मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था अच्छे से जब ये गर्म था। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ ये ध्यान रखना है कि गुड़ ना आपका बिल्कुल बारीक होना चाहिए ताकि अच्छे से वो इसके साथ घुल जाए। इस तरीके से फिर से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने गुड़ को मिक्स किया तो इसमें कुछ दाने मुझे गुड़ के दिख रहे हैं। तो एक मिनट के लिए मैं और गैस को ऑन करूंगी, आंच को कम ही रखेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे इस तरीके से ताकि गुड़ अच्छे से इस मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाए। देखिए
कुछ दाने दिख रहे हैं, इसलिए मैंने दोबारा से गैस ऑन किया अभी, क्योंकि हम इसमें ना ही दूध का प्रयोग करेंगे और ना ही पानी का। तो इस तरीके से गैस ऑन करके एक मिनट के लिए ऑन करना है बस, और इस तरीके से मिलाते रहें इसे ताकि गुड़ अच्छे से इस मिक्सचर के साथ मिल जाए। ज़्यादा देर के लिए ऑन नहीं करना है, दोबारा मैं बोल रही हूँ सिर्फ एक मिनट के लिए ऑन करना है ताकि पैन जो है गर्म हो जाए और गुड़ घुल के इसके साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए मिक्स होने लग गए, अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो लड्डू हमारे अच्छे से बनेंगे और लड्डू का स्वाद भी अच्छा आएगा। ये देखिए कहीं कहीं एक आधा टुकड़ा बच रहा है, मैंने नाइफ से काट के डाला है इसलिए कोई कोई टुकड़ा मोटा रह गया लग रहा है, आप कद्दूकस करके डालें। तो ये देखिए एक मिनट हो गया गैस को ऑन किए हुए, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे क्योंकि पैन हमारा गर्म है अभी। या फिर कोई कटोरी की हेल्प से इस तरीके से गुड़ को मिक्स करें, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए तो अच्छे से गुड़ मिक्स हो गया, तो अब चलिए ये हाथ से छूने लायक भी हो गया, तो अब इसके बना लेंगे लड्डू। इसे मैंने गैस से नीचे उतार लिया है और गुड़ भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, तो चलिए अभी हाथ से छूने लायक भी हो गया है तो हम इसके बना लेंगे लड्डू। अगर इस मिक्सचर से आपका लड्डू नहीं बन रहा है तो इसमें आप एक चम्मच घी डाल सकते हैं या फिर एक चम्मच दूध का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध डालेंगे तो फिर वो स्टोर करने लायक लड्डू नहीं रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम लेंगे, जितने बड़े आपको लड्डू बनाने हैं आप इसे इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बातों बातों में ही मेरा लड्डू भी बन गया है, इस तरीके से मैं लड्डू तैयार कर लूँगी। लड्डू बांधने के बाद ना थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर दें, ये राउंड शेप में भी आ जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया, इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए बिना बेसन के भी स्वादिष्ट हमारे बेसन के लड्डू बनके तैयार है, साथ ही बहुत ही हेल्दी है और इतना आसान कि कोई भी इसे झटपट से बना के तैयार कर सके, और खाने में तो इसका जवाब नहीं। तो आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। तो एक कटोरी चने से हमने लगभग 11 लड्डू बेसन के तैयार कर लिए। ये लड्डू एक महीने तक भी बिना फ्रिज के खराब नहीं होगा, आप इसे बिना फ्रिज के भी एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं डाला जो खराब हो जाएगा। तो आप भी एक बार बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपने बनाया तो कैसा लगा आपको। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इजी और यूनिक रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। तो मिलते हैं ऐसी यूनिक और इजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।